चैप्टर 6। अब तो डायग्नोज हो चुका है, आगे क्या, कहाँ, कैसे होना है। अब इन सब के उत्तर मुझे खुद ढूंढने हैं। असल में मैं फार्मासिस्ट हूँ, 35 साल से दवा का काम, इस पर मेरा रक्तदान का 35 वर्ष का अनुभव। मैंने खुद 145 बार रक्तदान किया, हजारों लोगों को मोटिवेट किया। 2000 में जब श्रीमती जी का निधन हुआ, कई सारे कैंसर डॉक्टर्स के संपर्क में आया। कैंसर के रोगियों के प्रति मेरे मन में एक विशेष जगह रही। मुझे नहीं पता था कि मैं भी इसी लाइन में खड़ा होने वाला हूँ। मुझे पता है कि जब भी किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो उसके मन में सबसे पहला रिएक्शन होता है कि मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म। मगर मेरे मन में कुछ और चल रहा है, वो ये कि अब मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदलने वाली है, तो मुझे कैसे इस बदलाव में खुद को बनाए रखना है। चंडीगढ़ से दिल्ली आते आते तक मैं सोचता ही रहा। बीच बीच में तो मुझे यह ही नहीं पता रहता कि मैं सोच क्या रहा हूँ। कितनी कोशिश की बचने की कि मन में नेगेटिव विचार ना आए, मगर सफल नहीं हो सका। श्रीमती जी वाला पूरा का पूरा एपिसोड आंखों के सामने से गुजर गया। उसकी 3 साल की कैंसर यात्रा के अंतिम 6 महीने, उसकी पीड़ा, दर्द, तकलीफें, सब मन को झिंझोड़ गई। अरे, सभी कैंसर एक से थोड़े ही होते हैं, अंतर्मन बोल पड़ा। शायद यही कारण होगा कि मेरे मन में प्रोग्नोसिस का ही पहला प्रश्न आया। सोचा गूगल करके नेट पर पढ़ता हूँ, मगर अंतर्मन ने टोक दिया, कोई ज़रूरत नहीं, अपना ध्यान फोकस करो कि कल ही तुम्हें डॉक्टर देवेंद्र से मिलना है। असल में सच यही है कि मैं जब जब अंतर्मन की सुनता हूँ तो सही रास्ता चुनता हूँ, जब भी अंतर्मन की नहीं सुनता तो चोट खाता हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपने साथ समय बिताना है, खुद में उत्साह भरना है और अपना साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इस समय में मुझे अपना पूरा ध्यान अपनी बीमारी के इलाज पर ही लगाना है। कैसे होना है, किससे इलाज करवाना है, सब फैसले तो मुझे खुद ही करने हैं, तो पूरा ध्यान भी तो इसी में ही लगाना होगा। सुनूंगा तो सबकी, मगर जो अंदर से आवाज़ आएगी करूंगा उसी हिसाब से। ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे निराश नहीं होना है। अचानक से नाना जी की कही बात याद आ गई, जो मुश्किलें देता है वो मुश्किल कुशा भी है। चैप्टर 7। सुबह सवेरे ही नींद खुल गई। सच तो ये है कि नींद रात भर आई ही नहीं। शाम 5 बजे की अपॉइंटमेंट मिली डॉक्टर देवेंद्र की। उनके असिस्टेंट से झूठ बोला कि चंडीगढ़ से आया हूँ। कब 4 बजेंगे, दिन भर बस यही इंतज़ार रहा, मन कहीं लग ही नहीं रहा। उसे तो बस अभी 4 बजे चाहिए। अरे, समय को चलाना मेरे बस में थोड़ी ही है, 4 तो 4 बजे ही बजेंगे। 4 बजे मैं, विराट, मेरा भांजा विवेक, हम तीनों निकल पड़े। ट्रैफिक जाम मिला तो 5 बजे पहुंच ही गए, मगर ये क्या, डॉक्टर साहब तो कोई मीटिंग में बिजी हैं। 5 के 5:30 होते ही मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने उनके असिस्टेंट से मैसेज भिजवाया कि मुझे वापस चंडीगढ़ भी जाना है। डॉक्टर देवेंद्र ने सब रिपोर्ट्स देखी तो बोले कि इसमें सर्जरी तो नहीं हो सकती, इसका इलाज तो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी से ही होगा। देख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल हॉस्पिटल लगे वहाँ ट्रीटमेंट करा लीजिए। रेडिएशन कीमो से अच्छे से परिचित हों, श्रीमती जी की भी हुई थी। कीमो का ध्यान आते ही डॉक्टर अशोक वैद्य की याद आई, श्रीमती जी का ट्रीटमेंट भी तो उन्हीं से करवाया 4 साल पहले तक। तो जब तक ब्लड डोनेशन में मैं एक्टिव था तो सबके कांटेक्ट में था। अब 4 साल बाद पता नहीं क्या रिस्पांस मिलेगा, कोई नहीं, बात करके देखता हूँ। तुम्हारा पीआर, पब्लिक रिलेशन बहुत ख़राब है, मन से अचानक कोई बोला शिकायती लहजे में। चलो फ़ोन तो करके देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। और वही हुआ भी, डॉक्टर वैद्य ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मन निराश हो गया और सोचने लगा कि जब तक मैं किसी के काम आता रहा सब मुझे अधिकार से अपना कहते थे, और आज, अरे कुछ नहीं हुआ,
हो सकता है राउंड पर हूँ, हो सकता है पेशेंट देख रही हूँ, अंतर्मन की आवाज़ आई। 10 मिनट बाद डॉक्टर वैद्य का फ़ोन आया और बोले, सॉरी मैं मीटिंग में था, फ़ोन साइलेंट था, कैसे याद किया, सब ठीक है ना? तब मैंने अपनी कहानी सुनाई तो बोले, ठीक है आप कल 11 बजे आ जाओ, पहले डॉक्टर कटारिया को दिखा लेना, मेनली तो आप रेडिएशन के ही पेशेंट हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 8। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है, नींद का कोई अता पता नहीं है, जानता हूँ नींद की गोली भी बेकार ही जाएगी, ऐसे में मेरा एक ही सहारा है, चाय। चाय बनाई, पहला घूंट भरते ही दिल और दिमाग के दरवाजे खुल गए, देखा दिल और दिमाग दोनों अपनी अपनी चला रहे हैं। मुझे ये देखकर गुस्सा आया तो मैंने डांटा दोनों को, क्या है, क्यों बिगड़े बच्चों की तरह उलझ रहे हो तुम दोनों, शर्म करो, मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए, समझे ना? मेरी डांट से दोनों सहम कर शांत हो गए। मैंने सोचा कि मुझे इस समय में कुछ विशेष लोगों की ज़रूरत है, सबकी नहीं, वो लोग जो मुझे सपोर्ट कर सकते हों, फाइनेंशियली सपोर्ट, मेडिक्लेम, और उसके लिए डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, उनकी कंपनी ही TPA है मेरी, इमोशनल सपोर्ट मनु, विराट, विवेक, संजय, सुनीता, श्वेता, मेंटल सपोर्ट, इसके लिए तो मुझे खुद को अलर्ट रखना पड़ेगा, मेडिकल सपोर्ट, यह उत्तर आना अभी बाकी है, देखता हूँ कल डॉक्टर वैद्य और डॉक्टर कटारिया क्या बोलते हैं, उसके बाद ही कुछ साफ होगा। काश ये लोग अभी भी राजीव गांधी अस्पताल में होते तो कितना सरल हो जाता मेरे लिए। तुम अपनी सरलता मत देखो, बस शुक्र मनाओ कि लोग अभी भी तुम्हें याद रखे हैं। अरे अब बस भी कर सोचने की, कुछ आराम कर ले, सुबह 8:30 तक हर हालत में घर से निकलना होगा, तभी समय पर पहुंच पाओगे। अरे सुबह तो हो ही चुकी है, 7 बज गए, अब क्या रेस्ट होगा, उठकर नहा धोकर तैयार हो जाऊं, गुड़गांव जाना कौन सा आसान काम है, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, फिर नई जगह, डॉक्टर को ढूंढना, उन तक पहुंचना, मन को तो सब आसान चाहिए होता है, मगर ऐसे थोड़ी होता है कि सब मन मुताबिक हो, ये तो गनीमत है कि डॉक्टर वैद्य और डॉक्टर कटारिया दोनों से अच्छा संबंध रहा है, वरना तो डॉक्टर ढूंढना ही अपने आप में मुश्किल काम है। चैप्टर 9। कोई मेडिसिन चल रही है आपकी, डॉक्टर कटारिया ने चेकअप करने के बाद पूछा। जी एल्फ्रिक्स टोटल, आप 5 दिन ये एंटीबायोटिक्स भी खा लीजिए। डॉक्टर वैद्य से मिल लिए क्या? जी नहीं, पहले आपके पास ही आने को कहा उन्होंने। कोई बात नहीं, आपने कल जो रिपोर्ट्स मेल की थी वो सब देखकर डिस्कस कर लिया मैंने डॉक्टर वैद्य से। आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा 35 रेडिएशन और 6-7 कीमो, कीमो सप्ताह में 1 बार, रेडिएशन हफ्ते में 5 बार। डोंट वरी, आप तो सच में एक मिसाल हो, 100 बार से ज़्यादा रक्तदान करने वाले का मन कितना मजबूत होगा। एनीवेज आपको पेट स्कैन करवाना है, ग्राउंड फ्लोर पर उनका डिपार्टमेंट है, आप जाकर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी है क्या? हाँ जी है ना, तो मेडिक्लेम वाला ऑफिस भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है। जी ठीक है, कहकर मैंने अपनी फाइल उठाई और विवेक के साथ बाहर आ गया। सामने लिफ्ट है मगर 60-70 लोगों की लाइन लगी है। मैंने चुपचाप विवेक का हाथ पकड़ा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। उतरते हुए मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, इन्हीं ख्यालों में डूबे होने के कारण पता नहीं चला कब इतनी सारी सीढ़ियाँ उतर गया। ग्राउंड फ्लोर पर पेट स्कैन के डिपार्टमेंट गया तो उसने बोला, आपको 5,000 रुपये एडवांस जमा करवाना होगा, तभी हम टेस्ट की बुकिंग कर सकते हैं। इतने पैसे तो उस समय थे भी नहीं मेरे पास, विवेक ने बोला कि कार्ड है मेरे पास, मगर पता नहीं मन ने नकार दिया। क्या हुआ मामा जी, विवेक ने पूछा, यहाँ पर ट्रीटमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा क्यों? समझो विवेक, यहाँ पहुँचने में हमें आज लगे 2.5 घंटे, 2 लगेंगे वापस जाने में, रेडिएशन होगी 5 दिन, मतलब लगभग रोज ही आना है, इतना ट्रैवल करना संभव ही नहीं, ईश्वर ना करे रात बेरात कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो। हाँ ये तो प्रैक्टिकल साइड है इस बात की, तो फिर क्या करेंगे? चल वो सामने चाय की दुकान है, चाय पीते हैं और कुछ सोचते हैं। चैप्टर 10।
चाय का घूंट भरते ही सोच भी जाग गई। डॉक्टर प्रदीप, मेडिक्लेम वाले, ये तो लगभग सभी हॉस्पिटल में जाते हैं, इनको पूछता हूँ। फ़ोन मिलाया तो सब बता दिया और 2 मिनट में उन्होंने जवाब दे दिया कि BLK हॉस्पिटल चले जाओ और डॉक्टर चोपड़ा का रेफरेंस दिया। बोले, मैं फ़ोन कर देता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, डॉक्टर प्रदीप खुद ही बोल पड़े, निश्चिंत होकर ट्रीटमेंट कराओ, मेडिक्लेम मैं देख लूँगा। एक लंबी गहरी सांस ली, बहुत राहत महसूस हुई। 3 बजे हम BLK पहुँच गए और डॉक्टर चोपड़ा से मिले। सब फाइल वगैरह देखने के बाद वह बोले कि आप मेनली तो रेडिएशन के पेशेंट हो, उनके टच में तो आपको पूरी लाइफ रहना पड़ेगा। सर, इसका प्रोग्नोसिस कैसा है? वो पेट स्कैन के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्टेजिंग है। आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में चले जाइए, बेसमेंट में है। मेन डॉक्टर शिखा और डॉक्टर हक्कू हैं, आप जिसे दिखाना चाहें दिखा लीजिए, दोनों बहुत सीनियर हैं। हाँ, कल पेट स्कैन के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और शाम 4 बजे तक वेट करना, तब तक रिपोर्ट आ जाएगी और फिर सब फाइनल कर लेंगे। फाइल उठाई, संजय और मनु को बताया तो दोनों ने BLK ओके कर दिया और एक और निर्णय ले लिया, डॉक्टर शिखा को दिखाना। अंतर्मन की आवाज़ सुनाई दी और चंद ही मिनटों में हम डॉक्टर शिखा के सामने। डॉक्टर शिखा ने फाइल देखी और वही वाला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया जो डॉक्टर कटारिया ने सुबह बताया था। मेडिक्लेम का पूछा तो मैंने हाँ कर दी। कौन सा ट्रीटमेंट प्रेफर करेंगे आप? मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रही हैं? इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट मशीन से होता है, RGRT और IMRT। मुझे तो कोई जानकारी नहीं इसकी, मैंने कहा। ठीक है, हम IGRT से करेंगे। आप पेट स्कैन करवा कर जब आएंगे कल तो हम आपका एक मास्क बनाएंगे, बाकी सब आपको डॉक्टर पवन बता देंगे। पेट स्कैन के लिए विवेक के कार्ड से पैसे जमा करवाए तो मालूम हुआ कि ये एडवांस होता है उस दवा के लिए जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती है, और अगर आप किसी कारणवश टेस्ट नहीं करवाते तो ये पैसा रिफंड नहीं होता। कोई टेस्ट के लिए बोला तो मैंने रिपोर्ट्स दिखाई जो अभी 3 दिन पहले ही करवाए होंगे। रिपोर्ट्स देखकर ओके कर दिया और सुबह 8 बजे आने को बोला। रात में 8 के बाद कुछ नहीं खाना है। चैप्टर 11। सुबह 8 बजे पेट स्कैन के लिए पहुंच गया तो मालूम पड़ा कि मेरे से पहले ही 2 लोग और हैं। मेरा पहला ही नंबर होगा, मेरे मन का ये अंदाज़ा गलत निकला। अब क्या हो सकता है? चेंज रूम में जाकर चेंज किया। सिस्टर ने कैनुला लगाया और उसमें इंजेक्शन से दवा डाली गई और सामने के कैबिन में जाकर बैठने को बोला। 5 मिनट बाद कोई आया, एक जग पानी का और ग्लास थमा गया इस निर्देश के साथ कि 45 मिनट में इसे थोड़ा थोड़ा पीकर खत्म करना है। ये सब बिल्कुल नया है, मुझे लगा था कि इतनी जल्दी बुलाया है तो मेरा पहला नंबर होगा। मन में सोचा कि इनको बताना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है। जैसे तैसे समय बीता, उधेड़ बुन मन में चलती रही। ऐसे माहौल में तो नेगेटिव बातें ही दिमाग में आती हैं। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कि ऐसा ना हो, मगर नाकाम रहा। इन्हीं नेगेटिव विचारों से लड़ते लड़ते मेरा भी नंबर आ ही गया। 30-35 मिनट लगे होंगे उस मशीन पर और इन मिनटों को बिताना बहुत मुश्किल सा लगा। आखिर क्यों, मैंने खुद से पूछा तो उत्तर आया कि जो हो रहा है उसका अंदाज़ा ना होने की वजह से तुम परेशान हो रहे हो। टेस्ट पूरा हुआ तो एक रूम में जाकर बैठने को बोला। इतनी बुरे तरीके से बोला कि मन को चुभ गया और पलट कर मैंने उसे जवाब दे दिया कि यही बात तो तुम आराम से भी बोल सकते थे। शायद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 मिनट बाद कैनुला निकाल दिया और जाने को कहा। मेरे मन में एक सवाल उठा कि ये लोग पेट स्कैन का 10,000 रुपये लेते हैं, पेशेंट को 1 कप चाय और 4 बिस्किट ही दे दें तो क्या हो जाएगा? यही सुझाव मैंने इंचार्ज को बोला तो टाल मटोल करते उसने बोला कि आप ये सुझाव लिखकर सजेशन बॉक्स में डाल दो, और मैंने लिखकर डाल भी दिया। बाहर आया तो देखा 11 बजने वाले हैं। विवेक आया हुआ मेरे साथ तो उसे लेकर कैंटीन चला गया कि कुछ नाश्ता ही कर लिया जाए, मगर जो अच्छी बात हुई और समझ में आए कि कुछ भी कराने से पहले उसकी मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। आजकल तो गूगल से सब जानकारी मिल ही जाती है।
इतनी जानकारी के बाद डॉक्टर से सवाल पूछने चाहिए। हो सके तो सवालों की लिस्ट बना लेनी चाहिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके। चैप्टर 12। डॉक्टर चोपड़ा ने 4 बजे आने को बोला था, मगर हम 3:30 बजे अस्पताल पहुंच गए। जाने मन में क्या आई कि सीधे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी चला गया। मुझे देखते ही डॉक्टर पवन ने अपने रूम में बुला लिया और बोले, मैं ले आया आपकी रिपोर्ट। ये सुनते ही मेरे मन में थोड़ी एन्जाइटी हुई, मगर उसे छिपाते हुए पूछा, सर कहीं इधर उधर तो नहीं फैल गया ना? अरे नहीं, लोकलाइज ही है, मतलब एक ही जगह पर है। स्टेजिंग की होगी आपने? हाँ, T2NOMO है। मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया और मन में हाथ जोड़ दिए। आपका मास्क बन चुका है, पेट स्कैन की रिपोर्ट आ गई है। अब हमें 2 दिन लगेंगे आपकी ट्रीटमेंट प्लान बनाने में। परसों शनिवार को आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आप सुबह 10 बजे ओपीडी से पहले डॉक्टर शिखा को दिखा लेना, और ये आपका कार्ड है जो रोज़ाना आपको साथ लेकर आना है। आकर इसे सामने वाले रूम में दे देना, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको बुला लेंगे। इसके बाद रेडिएशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हो सकते हैं, और उनके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग डॉक्टर चोपड़ा से मिले तो उन्होंने भी यही कहा, शनिवार से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। मंगलवार को पहली कीमो करेंगे तो आप शनिवार को टेस्ट करवा लेना। सोमवार को रिपोर्ट दिखाकर मेडिक्लेम वाली फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेना। विवेक को मेरठ लौटना है तो वहीं से बस अड्डे को चला गया और मैं ऑटो से दुकान आ गया। दवाई की दुकान है, 1980 से इस काम में हूँ। बिल्कुल अगली दुकान में डॉक्टर नारंग का क्लिनिक है। उन्होंने मुझे देखा तो बुला लिया, सब जानकारी ली और आशीर्वाद के रूप में ऑल द बेस्ट कहकर मुस्कान से भर दिया। चैप्टर 13। घर में एक उत्साह का माहौल है। दरअसल मेरी बहन सरोज, जो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, उसकी बेटी की शादी की तारीख पक्की हो गई है, 2 दिसंबर। असल में मेरे लिए ये एक चुनौती का विषय भी है। मैं जानता हूँ कि मैं कोई उसका सहयोग नहीं कर पाऊँगा। 2 दिन बाद इलाज शुरू होगा तो जाने क्या क्या और कैसी कैसी चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। मन ही मन हिसाब लगाया कि नवंबर के तीसरे हफ्ते तक इलाज तो पूरा हो जाएगा। शरीर और मन की क्या हालत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। अब तो घर के लोगों से अपनी बीमारी को छिपाकर ही रखना होगा। जानता हूँ लोग जाने अनजाने नेगेटिव विचार ही देकर जाते हैं। अभी 2 दिन हैं मेरे पास, इन 2 दिनों को दुकान पर ही बिताना चाहता हूँ। मेरी दुकान ही मेरी कर्म भूमि है, यहीं पर बैठकर जीवन के सब निर्णय लिए हैं मैंने। इस समय तो मेरी खुद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे लिए। तो मिल बैठेंगे 3 यार, दुकान, चाय और मैं। अच्छे से 2 दिन दुकान पर बिताए। मन में विचार तो आए बीमारी के बारे में, मगर उन्हें अलग दिशा दिखाए कि सब ठीक होने वाला है। देखो ना, मेरी किस्मत अच्छी है कि कैंसर पहली स्टेज में ही पता चल गया और अच्छे से इलाज हो जाएगा। मन को समझाना ही होता है, मन समझ भी जाता है, बस इसे समझाने की कला आनी चाहिए। मेरे जीवन के अनुभव अब मेरे काम आ रहे हैं। अनगिनत लोगों से मेरी बातचीत, हजारों लोगों को मोटिवेट कर पाने वाली कला आज मेरे ही काम आ रही है। प्रेरणा जो खुद के अंदर से आती है, असल में वही टिकाऊ प्रेरणा होती है। मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है। चैप्टर 14। आज रेडिएशन का पहला दिन है। शनिवार होने के कारण पेशेंट कम है। अधिकतर सोमवार से शुक्रवार तक रेडिएशन को लोग आते हैं। 10 बजे डॉक्टर शिखा ने देखकर ओके कर दिया और सामने रूम में कार्ड रख कर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। अंकल जी, आपकी आज पहली रेडिएशन है, अब सोमवार को आप किस समय आएंगे? क्या मतलब, समझा नहीं मैं। अंकल, यहाँ रेडिएशन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होती है। जो टाइम आपको सूट करता हो बता दीजिए, फिर देख लेंगे कि वह टाइम स्लॉट है कि नहीं, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। ओह अच्छा, समझा समझा, आप हिमाचल से हो क्या? हाँ जी, आपको कैसे पता? उसने चौंक कर पूछा। आपके बोलने के अंदाज से आइडिया लगा। बस इस छोटी सी बात ने हमारे परिचय को दोस्ती में बदल दिया। मेरी बारी आ चुकी। रेडिएशन मशीन पर लेटते ही एक अजीब सी हलचल हुई मन में। शरीर तो शांत स्थिर है, मन बेकाबू है। मन में क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहा।
बस इतना पता है कि कुछ हो रहा है। 10 मिनट बाद मशीन से उठाया गया तो कार्ड लेने के लिए रूम में गया तो मेरा नया दोस्त इंतज़ार कर रहा था। मैंने मनु से फ़ोन करके पूछा तो उसने बोला सुबह वाला टाइम ले लो। राकेश मेरे नए दोस्त का नाम है, उसे टाइम बताया तो उसने ओके कर दिया। फिर हमारी थोड़ी सी और बात हुई, उसने बताया कि उसने ये कोर्स PGI चंडीगढ़ से किया है। मैंने भी अपने ब्लड डोनेशन और PGI चंडीगढ़ के बारे में बताया तो हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। मुझे लगा कि जैसे भगवान ने राकेश को मेरे लिए पहले से ही चुन कर रखा होगा। आपका बिजनेस है यहाँ पर? हाँ जी, दवाई का, रिटेल या होलसेल? रिटेल का। आपके पास कैंसर वाली मेडिसिन भी होती है क्या? नहीं, होती तो नहीं, हाँ अरेंज करा सकता हूँ। मेरे गांव से कोई है जिन्हें जेफ्टिनिब टैबलेट चाहिए होती है हर महीने, देखना अगर आप अरेंज करा दें तो उसकी हेल्प हो जाएगी और कुछ सस्ती भी मिल जाएगी। डोंट वरी, सोमवार को आऊँगा ना तो बता दूंगा। अच्छा अंकल जी, आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। चैप्टर 15। रेडिएशन करवा कर सीधा दुकान पर आ गया कि मनु के साथ बैठकर आगे कैसे करना है इसका फैसला कर लिया जाए। तो अंत में नतीजा ये निकला कि सुबह मुझे मनु ले जाएगा रेडिएशन के लिए और लौटकर सुबह दुकान में चला जाऊंगा, शाम को जल्दी लौट आऊंगा। कीमो वाले दिन तो पूरा दिन अस्पताल में लगने वाला है, उसके अगले दिन भी शरीर इजाज़त देगा तो दुकान जाऊंगा वरना नहीं। कुछ टेस्ट कराने हैं आज, पास ही लैब है, दुकान पर आकर सैंपल ले गया और शाम में रिपोर्ट भी दे गया। सोचा दुकान से निकलकर थोड़ी देर सामने पार्क में जाकर बैठता हूँ, एक कोना ढूंढा और मन को शांत करने लगा। अतीत की यादें, ब्लड डोनेशन वाले दिन, अनगिनत लोगों की यादें, कुछ अच्छी बातें, कुछ उपलब्धियाँ, प्रोत्साहन, कुछ पुरस्कार जो जीवन में मिले, सारा इतिहास आंखों के सामने से गुजर गया। सुनीता का फोन नहीं आता तो शायद ये सिलसिला चलता रहता। ऐसे तो विवेक इन दिनों मेरे साथ रहा है, वो वह सब बताता ही रहा होगा, मगर बहन तो बहन ही होती है, उस पर भी वह जो अच्छे से मुझे और मेरे भावों को समझती है। तो निश्चित ये हुआ कि रेडिएशन कराने मनु जाएगा और कीमो के दिन विवेक सीधे सुबह BL के हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। विराट को जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन रेडिएशन को वह ले जाएगा। सोमवार को दूसरी रेडिएशन हुई, उस दिन सब फॉर्म भी भरने थे, राकेश ने जल्दी जल्दी सब निपटवा दिए। राकेश को जब मैंने जेफ्टिनिब टेबलेट का रेट बताया तो खुशी से उछल पड़ा। अंकल जी, ये तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, थैंक यू बहुत बहुत। अरे इसमें क्या है, हम सब एक दूसरे की कुछ हेल्प सपोर्ट कर सकें तो बहुत अच्छा है ना। राकेश ने दोनों हाथ जोड़ दिए। दुकान आया तो मन ही मन आने वाले कल की कीमो के लिए खुद को तैयार करने लगा। शाम को थोड़ा जल्दी निकला दुकान से।